Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, dear students, let's begin. Today's topic that will be Koshura. देखो बेटा, जब आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, चाहे आपकी कश्मीरी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, या कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हो आप, तो लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप लैंग्वेज को उसी मीडियम में पढ़े जो लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं। यानी अगर आप उर्दू पढ़ रहे हैं तो आपका जो कन्वर्सेशन होना चाहिए वो उर्दू में ही होना चाहिए, इसी तरह कश्मीरी तो कश्मीरी, इसी तरह अंग्रेज़ी तो अंग्रेज़ी, वट एवर। लेकिन मैं जानता हूँ हमारा भी, हम सब का जनरली जो इंग्लिश कॉम्पिटेंस है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंस है, वो थोड़ा वीक होता है। यानी कि हम चीज़ों को समझने से बाज़ अवकात कासिर रहते हैं। उसकी वजह यह है बेटा कि हम कभी कंसंट्रेट नहीं करते हैं। चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, आप कहीं पर भी पढ़ो, तो आप अपनी पढ़ाई को लेकर इतना कंसंट्रेशन, इतना फोकस नहीं करते जितना फोकस आप पबजी चलाने पे करें, जितना फोकस आप कोई वीडियो गेम को एनालाइज या उसको टैकल करने में आप जितना फोकस लगाते हैं, उतना फोकस पढ़ने और पढ़ाने में हम सर्फ नहीं करते। दैट्स वाई कि हम वी लैग बिहाइंड इन लर्निंग लैंग्वेज। चलो बेटा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू बी इजी एंड वो क्या है ना, एसेसिबल, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। ओके, टुडेज टॉपिक विल बी रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच in English language. I am going to introduce all of you basic introduction towards the parts of speech, and all of you know that the fundamental parts of speech are noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. Okay. तो पिछली लेसन में जो मैंने आपको बताया था हायरार्की ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो सबसे स्मॉल पे मैंने क्या कहा था, द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज मॉर्फीम, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे दैट इज वर्ड, ठीक है बेटा। सो वर्ड की जो शक्लें हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो हम आप पढ़ेंगे आज। द पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ओके, प्रपोजिशन एंड कंजंक्शन, ओके, इंटरजेक्शन एंड कौन रह गया, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, दैट इज एडजेक्टिव। ओके, अच्छा बेटा, आप मुझे बताएं, आप सबको, आई होप कि आप सबको इन सब के बारे में पता होगा, बेसिक आप सबको पता होगा कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, ठीक है। और एक है जिनको हम डिटरमिनर्स कहते हैं या सिंपली आर्टिकल्स कहते हैं, आप अ एंड द छोड़ो, लेकिन फिलहाल हम इन पे फोकस करेंगे। तो कोई स्टूडेंट है आप में से जो इनसे ना आशना है, किसी से भी, मतलब इन में से जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने लिखे बोर्ड पे, आप में से कोई स्टूडेंट है बेटा ऐसा कि जो इनसे ना आशना है किसी से भी, ना आशना मतलब कि बेजान, मतलब बेखबर, कहाँ स्टूडेंट छा तो एमएस गोबर सो कि ये कहाँ ही मोहम्मद पाई ही क्या गो, यस, हाँ बेटा बोलो बोलो, डरे मत,
छोटे बच्चे आप बोलो बेटा, कुछ तो बोलो या बोलो। यस प्रपोजिशन। ओके तो समवन हैज सेड प्रपोजिशन, एनीवन एल्स, किसी का कोई और में कोई कंफ्यूजन? अगर हम कश्मीरी में उर्दू में बात करें यानी कौशल उर्दू करो, मदस्ती हो, शर्माते हो बोलने में? हाँ शर्माते हो बेटा? लर्निंग प्रोसेस में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, नेवर एवर, कभी भी नहीं शर्माना चाहिए। अगर आप शर्माए तो मतलब यू आर फिनिश्ड, गेम इज ओवर। ठीक सर, तो सीखने में कभी भी नहीं शर्माना चाहिए, जितना आपको पता है ठीक है, जो पता नहीं वो आप कभी भी अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर कंफ्यूजन है, वहाँ पर कंफ्यूजन है, पर्टिकुलर वे। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन की, और जो आइडिया अभी तक आपने स्कूलों में पढ़ा है या लिया है वो नाउन के रिलेटेड आपने यही लिया है, इट इज अ नेमिंग वर्ड, है ना, इट इज अ नेमिंग वर्ड। अ नेमिंग वर्ड कैन बी अ नेम ऑफ अ पर्सन, अ नेम ऑफ एन एनिमल, अ नेम ऑफ अ थिंग, और अ नेम ऑफ एन आइडिया, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से स्कूल, दिस इज नाउन, बुक दिस इज नाउन, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं कहूंगा ड्रीम, दिस इज एन आइडिया, ड्रीम इज एन आइडिया, इट इज नॉट ए कंक्रीट कॉन्सेप्ट, इट इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, सो इट इज अ नाउन। इसी तरह इकबाल, इट इज अ नाउन, इसी तरह मस्जिद, इट इज अ नाउन। सो नाउन इज सिंपली अ नेमिंग वर्ड। ओके उसके बाद अगर हम प्रोनाउन की तरफ जाएं, तो व्हाट इज प्रोनाउन? Which is used in place of noun. Which is used in place of noun. Okay, good. Verb? For an action. For an action. A verb is an action word. You mean to say a verb is an action word. Sab kehte hain, sab mante hain. Sab mante hain. No. No. Toh beta aap bolo. Phir kya hai verb? It shows actions plus state of being too. Okay, it shows action, also it gives us a state, either that could be a physical state, that could be a cognitive state, or that could be an emotional state. Okay, woh main aage discuss karunga. Chalo, adverb. Anyone information about verb. It gives us information about verb. Okay, anyone else? Good. What is an adverb in English? Shabash. Beta, देखो जो आप ग्रामर पढ़ते हैं या जो आप ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं, unless you are aware about these things, you cannot get a well established hold on the language. अब तब तक अपनी लैंग्वेज पे होल्ड नहीं जमा सकेंगे जब तक आपको इन चीजों की अच्छी तरह पहचान हो कि ये क्या है और इनका फंक्शन क्या है, यानी कि ये खुद क्या है, इनकी तारीफ क्या है, और एक सेंटेंस में, एक जुमले में ये क्या फंक्शन, क्या क्या अहमियत है इनकी, ये पता होना जरूरी है, तब जाके आप लैंग्वेज का कोई भी सेंटेंस, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज का कोई सेंटेंस एनालाइज कर सकेंगे कि इसमें नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, और उसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है। ओके तो एडवर्ब की बात कर रहा था मैं, तो बेटा आप बताओ कि व्हाट इज द फंक्शन, बेसिक फंक्शन ऑफ एडवर्ब? तो एक बच्चे ने कहा कि इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब। ओके एनीवन एल्स? और कुछ? यस इट आल्सो गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट एन एडजेक्टिव। Okay, good. Anything else? And gives information about another adverb. Another adverb. Excellent. Good. Chalo, preposition. Which is used before the noun or a pronoun. Before noun or a pronoun. Good. Okay. Conjunction. Which connects two sentences or more. That connects two sentences. Two or more. Two or more.
only sentence or words, or words as well. Good. And then introduction. वो तो सबको पता होना चाहिए बेटा, सबको, all of you. Certain abrupt feelings, like maybe the feeling of sorrow, maybe feeling of joy, maybe yes, surprise, like hurrah, like alas, like oh, like ah, like ouch. All these are interjections. Good. चलो, ये अच्छी बात है कि आपको basically इनका मतलब basic, चलो आपको इनका पता है. And I'm happy about it. So word में first we will take down noun. Okay? So we are going to discuss about noun. लेकिन noun में क्या? मसला ये है कि noun हम पढ़ेंगे, लेकिन noun का हम क्या पढ़ेंगे? And today we are going to deal with the case. Noun and its case. किसको पता है? Anyone? आप में से किसको पता है? A noun can be in three cases. Either it can be a nominative, or possessive, or objective. किसको पता है इनके बारे में? मतलब क्या है ये? शाबाश. तो गोगल क्वेश्चन पूछ मान दो. चलो क्वेश्चन पूछ मान दो कि ऐसे वाला बेसिकली कि नाउन यूज आसन छो यूज त्रेन हालत मज आसन. इसम की हालत जो हम पढ़ते हैं ना, अगर आपने अरबी पढ़ी होगी तो आप हालत फाइली, हालत मफूली है ना, या हालत वो मरफू, आप ऐसे कुछ पढ़ते हैं अरबिक में. तो उर्दू में भी आप पढ़ते हैं इसम की हालत पढ़ते हैं ना, हालत फाइली, हालत मफूली और हालत निस्बती. आप उर्दू में शायद पढ़ते हो. तो इन इंग्लिश वी डील विद नॉमिनेटिव केस, we deal with objective case, and we deal with possessive case. Okay, beta. So, to understand this, I will write down a simple sentence. Okay. Abdullah writes a letter. ठीक है. If we analyze this sentence, अगर हम इस sentence को analyze करेंगे, तो we will come to know that Abdullah is noun, writes, it is verb, this is article, and this is also noun. So we have two nouns. We have two nouns in this sentence. Abdullah and letter. Abdullah and? So how they are different to each other, one another. ये एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ, कैसे अलग अलग है, ये हमें समझना है. कि what this noun, what role this noun plays here in this sentence, and what role this noun plays there. ठीक है बेटा. Now, इसमें जो verb है क्या है वो? Writes. And what is the basic form, or the you can say base form of writes? Write. है ना, लिखना. Very good. So this is the actual verb, the actual action is taking place, that is writing. Okay. So ये जो काम हो रहा है, ये fail जो हो रहा है, इसको कौन करने वाला है बेटा? अब्दुल. यानी कि ये काम के लिए we need a doer. ठीक. और जिस पे काम किया जाए, आप उर्दू में उसको मफूल कहते हैं, दैट इज रिसीवर, है ना. ठीक है. और जो काम करता है, या जो कोई भी काम करता है, जो मतलब एक्चुअली एक्सक्यूट करता है कोई काम, उसको आप बोलते हैं सब्जेक्ट. यानी किसी भी काम को करने वाला जो साबित होता है किसी भी सेंटेंस में, दैट इज सेड टू बी द सब्जेक्ट ऑफ दैट वर्ब. ठीक है. और जिस पे काम किया जाए, अगर किसी पे काम किया जाए, whatever is the receiver of that action, that is known as object.
ठीक है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एनी नाउन व्हिच टेक्स प्लेस ऑफ व्हाट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ अ सब्जेक्ट और एनी नाउन व्हिच इज सेड टू बी द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज सेड टू बी इन नॉमिनेटिव केस. And any noun that is said to be the object of a verb, जिस पे काम किया गया हो, that is said to be in objective case. ठीक है बेटा. So we have two cases of noun so far: nominative case and objective case. कोई भी verb, कोई भी fail जो हो, जो उसका करने वाला, कोई भी काम जो हो, जो काम का करने वाला साबित हो, उसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस. कोई भी वर्ड, वो वर्ड हो सकता है, थिंग हो सकता है, कुछ भी. और जिस पे काम किया जाए, वट एवर इज सेट टू बी और वट एवर इज प्रूव्ड टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब दैट इज सेट टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है. अब क्या रहा? पोजेसिव केस. तो पोजेसिव केस समझने के लिए सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल दैट whenever you use apostrophe s with noun that is said to be in possessive case, that means that particular noun possesses something, that has a property of something. Okay, like for example, aap bolenge Abdullah's book. Theek hai. To here Abdullah jo hai, this is in possessive case. Abdullah's book, yani Abdullah ki kitab. And remember, my dear students, this whole, it is a compound noun. It is a compound noun made up of two nouns. One noun that is Abdullah and another is that is book. Why it is compound noun? Actually, ye bolta hai, ye jo बात की जा रही है, ये किताब के बारे में बात की जा रही है, आम किताब की बात नहीं की जा रही है, बल्कि बेटा इनको बोलो खामोश रहे, ये आम किताब की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये अब्दुल्लाह की किताब की बात हो रही है. ठीक है. और कोई भी नाउन, जिस भी नाउन में आप कभी भी अपोस्ट्रोफी एस देखेंगे, यू शुड नो दैट दिस नाउन इज सेड टू बी इन पजेसिव केस. ये किस में है? तो हो गया यहां तक nominative case, objective case and possessive case of what? Noun. Of noun. अब noun के बाद हमारा आता है दूसरा verb. दूसरा आता है हमारा verb. हालांकि मैंने noun को अभी पूरा explain नहीं किया, लेकिन मैं I am trying to give you a general introduction. अभी सिर्फ general introduction. Noun का case मतलब है क्या? अब बात करेंगे verb. Verb मुझे बताओ, आपने बताया sir, a verb shows action or it denotes action. और बच्चा ने कहा कि a verb, it also states a physical state. It not only shows action. For example, I will give an example. I have written two sentences on the board. He is a doctor, she is a teacher. ठीक है बेटा. So in दो sentences में क्या verb है? Is. Very good. Is this is any action? क्या ये is कोई action है? No. It does not show any action. ये कोई भी action नहीं दिखाता. तो फिर ये क्या करता है? शाबाश. स्टेट ऑफ बी, स्टेट ऑफ हिम और हर. ठीक है. ये किसी शख्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कि वो क्या करता है, वो क्या नहीं करता है. तो यू कैन से वर्ब्स, हम लेक्सिकल पर्सपेक्टिव में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, हमेशा याद रखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स एंड डायनेमिक वर्ब्स. मैं लिखूंगा बोर्ड पे और समझाऊंगा इंशाल्लाह. स्टेटिव वर्ब्स एंड डायनेमिक वर्ब्स. क्या होते हैं स्टेटिव वर्ब्स और क्या होते हैं डायनेमिक वर्ब्स? ऑल दोज वर्ब्स, ऑल दोज तो
चलो बेटा, तो इन लेक्सिकल पर्सपेक्टिव वी हैव टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स एंड डायनेमिक वर्ब्स। जहां तक स्टेटिव वर्ब्स की बात है, दीज आर ऑल दोज वर्ब्स दैट स्टेट अ फिजिकल स्टेट और कॉग्निटिव स्टेट और इमोशनल स्टेट। ठीक है बेटा, समझ लेना। अ स्टेटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल स्टेट और कॉग्निटिव स्टेट और एन इमोशनल स्टेट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फिजिकल की बात करूं, ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट इज सॉलिड, दिस ऑब्जेक्ट इज सॉलिड। तो जहां इसमें इज वर्ब है, अगर मैं कोई सेंटेंस बताऊंगा दिस ऑब्जेक्ट इज सॉलिड, या फॉर एग्जाम्पल A brick is a solid substance. A brick is a solid substance. तो उसमें जो is है, that shows the physical state of brick. वो कोई काम नहीं बताता, but rather it represents its physical state. Hence it is a stative verb. Is is a. Now another is cognitive. Cognitive is anything that is related with your brain, with your brain. For example, if you say, I think, मैं सोच रहा हूं या मैं सोचता हूं, तो मेरा बच्चा आप मुझे बताएं, क्या सोचना काम हुआ कोई? ये इज इट अ फिजिकल एक्सरसाइज? नो, इट इज नॉट, इट इज अ मेंटल स्टेट, इट इज अ मेंटल स्टेट। तो थिंक इज ऑल्सो, थिंक इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है बेटा, अब हो गया इमोशनल। ठीक है, अगर आप किसी को कहेंगे I am feeling happy. जो feeling है ना बेटा, this is verb, but it is not an actual action. Rather, it shows an emotional state. ठीक है? So a stative verb, it gives us a physical state of an object or anything, or it states something. For example, he is a doctor, he is a teacher, anything. Or it can give us a cognitive structure, a cognitive state. For example, I think, say to, I ponder like this. So then we have emotional state, I feel. To feel. To feel, think or is. These are stative verbs. Lekin, iske baad humare paas hote hain dynamic verbs. डायनेमिक वर्ब्स वो वाले वर्ब्स होते हैं वेयर यू नीड एन एजेंट। डायनेमिक वर्ब वो वाला वर्ब होता है जिसमें आपको एक एजेंट की जरूरत होती है। एजेंट मतलब क्या है? जब तक आपके पास फाइल ना हो, आप डायनेमिक वर्ब का तसव्वुर ही नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे डायनेमिक वर्ब्स दे शोस अस दोज एक्शंस, मतलब एक्चुअल एक्शन विच टेक्स प्लेस फ्रॉम सब्जेक्ट और ऑफ टू ऑब्जेक्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई राइट, ये राइट बेटा ऐसा वर्ब है जब तक आपके पास एजेंट ना हो लिखने वाला, तब तक आप इस काम को का तसव्वुर नहीं कर सकते। आपको बात समझ आ रही है बेटा कि जब तक आपके पास इस काम को एक्सिक्यूट करने के लिए आपके पास एजेंट ना हो, इस काम का आप तसव्वुर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ईट, है ना, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ड्रिंक, ये ऐसे बेटा काम है जो एक्चुअल एक्शंस है जहां पर आपको एक साहिब की जरूरत है, एक डोअर की जरूरत है। जब तक वो एजेंट इन कामों को एक्सिक्यूट नहीं करेगा, आप इन कामों के बारे में तसव्वुर नहीं कर सकते। तो हेंस दीज आर डायनेमिक वर्ब्स। सिंपली आप याद रखेंगे वो सारे वर्ब जो एक्चुअल एक्शन डिस्क्राइब करते हो उनको हम डायनेमिक वर्ब्स कहते हैं, और वो वर्ब्स जो सिर्फ स्टेट करते हैं एक हालत या एक 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 इमोशनल स्टेट और कॉग्निटिव और फिजिकल, दे आर स्टेटिव वर्ब्स। ये गए आप फर्क। अब वर्ब्स की दूसरी फर्क भी है, दूसरा इनका दूसरा फर्क भी है, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। वो आई होप कि आपको पता होगा। किसको पता है? रेज योर हैंड।
One, two, transitive and intransitive. Shabash. अच्छा जो अभी तक मैंने बोला इसमें कहीं कंफ्यूजन है? हाँ, इज इट क्लियर? ओके, नाउ हम बात करेंगे ट्रांजिटिव, वो इम्पोर्टेंट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। हालांकि जो डायनेमिक और स्टेटिव वर्ब मैंने कहा, डायनेमिक वर्ब्स में फिर से हम तीन वर्ब्स पढ़ते हैं, अकॉम्प्लिशमेंट वर्ब्स, एक्टिविटी वर्ब्स और देन ऑल्सो वी कैटेगोरीज टेलिक वर्ब्स एंड एटेलिक वर्ब, लेकिन वो डिफरेंट है। हम वो बात करेंगे जो आपके सिलेबस में है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने आगे से नरेशन करना होता है, स्पेशली इन वॉइस, जब चेंज द वॉइस, एक्टिव पैसिव जो आप, उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत अहम है एंड वेरी मच इम्पोर्टेंट। लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओके, आई विल फर्स्ट आई विल गिव एन जस्ट अ सिंपल डेमोंस्ट्रेशन। बेटा आप, दिस इज 21st century और आप बच्चे तो ज़्यादा है, मतलब इन मोबाइल गैजेट्स के साथ या जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इनके साथ आपका ज़्यादा वास्ता पड़ता है, तो ऑनलाइन शॉपिंग करता है कोई आप में से? यस सर। ऑनलाइन जब शॉप करते हैं कोई चीज़, ओके, आपने कोई चीज़ ऑर्डर की तो फिर आप वेबसाइट पे जाते हैं, जो भी वेबसाइट पे आपने ऑर्डर किया होगा तो आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जब जाते हैं तो आप उसका स्टेटस चेक करते हैं। वहां पर अगर वो वहां से निकला होगा, डिस्पैच हुआ होगा, वो दिखाता है आपको इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट, यही वो दिखाता है ना, वो यही दिखाता है इन ट्रांजिट। इसका मतलब क्या होता है? आ रहा है। ओके, यस, इसका मतलब है कि वो निकला है कहां से, मतलब जहां से भी आपने ऑर्डर की है, कोई भी कुछ वहां से निकला है और अभी वो रास्ते में है, अभी पहुंचने वाला है। ओके, गुड। तो जब भी कोई चीज ट्रांजिट में होती है उसके लिए दो चीजें होना जरूरी है बेटा, एक ओरिजिन और एक डेस्टिनेशन। हाँ, एक ओरिजिन और एक डेस्टिनेशन। कहां से निकला और कहां जाएगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, हम सबको पता है क्योंकि वी आर क्वाइट अवेयर अबाउट दिस द फैक्ट दैट हम ऑर्चर्ड्स है, जो एप्पल ऑर्चर्ड्स है, सैर नहीं चूंट बाहर आसन है ना, ऐसे सोजन मतलब जो या कहाँ कौन तो सोजन ये लिस ये चु सोजन पाचे ड्राइवर्स करो फोन चुको तो बोलते सीधा बिशुस वाई थी तो ये लिसू माना था बिशुस वाई थी, दैट इज इन ट्रांजिट, दैट उस चीज को हम कहते हैं ट्रांजिट से। जो इट इज समवट रिलेटेड टू नॉट प्रोसेस, इट इज समवट ट्रांसपोर्ट, यानी वो ट्रांसपोर्ट में है, आइदर रेलवे हो या एयरप्लेन हो या सिंपली ट्रक हो, जो भी हो, तो अभी वो मतलब गाड़ी में लोड हुआ है, मतलब जा रहा है, आने वाला है, ठीक है? तो फॉर एनीथिंग विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम वन प्लेस एंड देन विच इज मेंट टू बी डिलीवर्ड एट अदर प्लेस, वी हैव द कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिट, ठीक है? एंड सेम इज हैपनिंग विद ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है? ये मैंने एग्जाम्पल क्यों बताया था, मैं बताता हूँ। अब पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब को समझेंगे, उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब खुद ब खुद समझ आएगा। अब देखो बेटा, मैं ब्रेक लिखूंगा, बी आर ई ए के, कौन सा? रिसेस वाला ब्रेक नहीं, वर्ब वाला ब्रेक, हाँ, तोड़ना, हड्डियां नहीं, गिलास कुछ भी तोड़े, ठीक है, कप तोड़े, प्लेट तोड़े, लेकिन हड्डियां ना तोड़े, ठीक है? तो ब्रेक लिखा मैंने। अब जब ये वर्ब है, पहले मुझे आपसे सुनूंगा, व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ डायनेमिक वर्ब और स्टेटिव वर्ब? ब्रेक, व्हाट डू यू थिंक, इट इज इट अ स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब? आपके डायनेमिक वर्ब, यस। यू नीड एन एजेंट टू एग्जीक्यूट दिस दिस एक्शन, ये एक्शन करने के लिए यू नीड एन एजेंट, ठीक है ना? तो इट इज अ डायनेमिक वर्ब। ओके, सो अब मैं कहता हूं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव, तो जब मैं कहता हूं ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इट मींस इसका ओरिजिन होगा, यानी कि ये काम कहां से शुरू हुआ, और इसकी एक डेस्टिनेशन भी होगी, ठीक है बेटा? कहां पर जाके ये अपना ये काम अपना इफेक्ट दिखाएगी। अब
जो ये काम करेगा उसको हम क्या कहते हैं, डूअर, और जो ये काम जिस पे किया जाएगा वो रिसीवर होगा, एट द रिसीवर्स एंड, ठीक है। और बेटा जब भी आपके पास फाइल भी है और मफूल भी है, और फाइल से मफूल तक कोई एक्शन कैरी होता है और वो जो मफूल है वो उस एक्शन का असर लेता है, देन दैट वर्ब इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। ये किसको समझ आया? मैं रिपीट करूंगा दो दफा तीन दफा, डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन फिलहाल मैं कहता हूं ये किसको समझ आया। अच्छा समझ गया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मैंने कहा सिंपली एक वर्ब है आपके पास, ब्रेक, सिंपली ए वर्ब। और मैंने पहले मैंने क्यों इंट्रोडक्शन दिया था डायनेमिक वर्ब और स्टेटिव वर्ब में, इसीलिए दिया था ताकि आपके जहन में से एक कंसेप्ट अच्छी तरह से बैठ जाए। तो जब ये डायनेमिक वर्ब है दैट मींस इट नीड्स एन एजेंट टू एग्जीक्यूट दिस एक्शन, दिस पर्टिकुलर एक्शन, ये काम करने के लिए वी नीड एन एजेंट। अब जो भी होगा, चाहे वो इंसान होगा, कोई चीज होगी, कोई जानवर होगा, जो भी होगा, व्हाटएवर दैट इज डिफरेंट, लेकिन वी नीड एन एजेंट, और वो जो एजेंट होगा वही फाइल साबित होगा, यानी काम जो करेगा, डूअर ऑफ एक्शन। और जिसपे क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इट मींस इट नीड्स अ डेस्टिनेशन एज वेल, इसको डेस्टिनेशन की भी जरूरत है कि किस पे काम हुआ होगा। अगर तोड़ा है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से I break the glass. So I am an agent and glass is the receiver. This is that is the object. ठीक है? That is the destination of my action. And what is the action? That is break. ठीक है? तो ये फाइल है और जो भी होगा, say to, अब मैं सीधा ही example लिखूंगा, they break a glass. ठीक है? अब ये जो glass है बेटा, कि उन्होंने उस गिलास को तोड़ा, चाहे उन्होंने बाल से तोड़ा, उस पर फोर्स लगाया, उस पर कोई भी किसी भी तरह का प्रेशर डाला तो वो टूट गया। ठीक है, ये जो काम हुआ है ब्रेक का, इट हैज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डूअर टू रिसीवर, एंड ना सिर्फ ये ट्रांसफर हुआ है बल्कि ये जो रिसीवर है इट हैज रिसीव द इफेक्ट, जो काम इस पे हुआ है उस काम का इस पे असर हुआ है। तो यू कैन से this verb is a transitive verb. Simply, my dear students, you can say that a